अंबाला के तेपला गांव के रहने वाले शहीद विक्रमजीत का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार हो गया। इस दुखद मौके पर शहीद को अंतिम विदाई देने आम से लेकर खास सैकड़ों लोग पहुंचे और शहीद को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि शहीद लांस नायक विक्रमजीत जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहीद विक्रमजीत महज 26 साल की उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद को भारतीय सेना और हरियाणा पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने कैबिनेट मंत्री अनिल विज, राज्य मंत्री नायब सैनी, विधायक संतोष सारवान, विधायक असीम गोयल और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि 7 महीने पहले ही शहीद विक्रमजीत की शादी हुई थी। विक्रमजीत की शहादत की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि जहां विक्रमजीत के जाने का परिवार को दर्द है, तो वहीं इस बात का गर्व है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शहीद विक्रमजीत को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए देने और साथ ही शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ युद्ध करने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता, इसलिए लंबे समय से छद्म युद्ध हमारे साथ लड़ रहा है। विक्रमजीत सिंह भी तेपला गांव से है और आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए उसने शहादत पाई है। हरियाणा सरकार इस दुख की घड़ी में उसके परिवार के साथ पूरी तरह से खड़ी है और 50 लाख रुपया हमने परिवार के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है और मैंने उपायुक्त को बोला है कि वो उसकी पत्नी के जल्दी कागज़ तैयार करवाए, हम उसको नौकरी भी अच्छी नौकरी दिलवाने का प्रयास करेंगे। दरअसल मंगलवार तड़के सुबह गुरेज सेक्टर में पेट्रोलिंग करते समय पाकिस्तान की ओर से 8 आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पेट्रोलिंग के समय विक्रमजीत सहित 4 अन्य साथियों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए, वहीं सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट प्रथम तहलका।